चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो 500 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था उसी का पार्ट 6 देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए क्योंकि कमाल का वीडियो होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आपको गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 50 फिक्स हो जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए, और इसी पैटर्न पर आप लोगों का सभी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी क्या करो, लास्ट तक देखो, और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक का क्वेश्चन के लिए मेरे पास ट्रिक है, आप लोग को ये ट्रिक आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, लाइक सब्सक्राइब लास्ट तक बने रहो। ठीक ना, चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट 6 वीडियो, इसके पहले के वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, लास्ट में वीडियो मिल जाएगा। चलिए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर x जो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है कि हर कोई बंदा बना सकता है। देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाटा में 1 प्लस x स्क्वायर, ये जो सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x का होता है। किसका होता है सर जी? 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आप लोग देख लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाटा में 1 प्लस x स्क्वायर, ये सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x का। तो याद रखेगा, काफी आसान क्वेश्चन है। चलो तीन नंबर में भी सूत्र पूछा है, 3 sin इनवर्स x का सूत्र क्या होता है? तो देखो 3 sin इनवर्स x का जो सूत्र होता है वो क्या होता है लगाइए, तो याद रखेगा sin इनवर्स 3x - 4x³ होता है, ये आपका 3 sin इनवर्स x का सूत्र होता है। देखो ये सब फॉर्मूला का चार्ट आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको PDF नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर देख रहा है, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके जो होगा तो सूत्र बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, या तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चले मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो sin इनवर्स 3x - 4x होगा, ये भी एग्जाम में पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से तीन नंबर देखेगा तो tan इनवर्स का मान पूछा है, दो नंबर में भी आपको करवाए हैं मेरे प्यारे साथ। तो tan इनवर्स - x का सूत्र क्या होता है? -tan इनवर्स x। क्यों सर जी? तो आपका माइनस में एंगल था, इसलिए माइनस को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, क्योंकि ये सूत्र का आता है। कौन का आता है? सूत्र का आता है। तो माइनस बाहर आया, tan में कितना डिग्री का 1/√3 मान होता है? tan में कितना डिग्री का 1/√3 मान होता है? तो tan कितना? चलिए बहुत अच्छा, 30 डिग्री, यानी कि π/6। π/6 को 30 डिग्री कहा जाता है, और आपको पता है कि tan इनवर्स tan x x होता है, तो π/6 हो जाएगा। कौन वाला? तो माइनस वाला, क्योंकि ऑलरेडी माइनस पहले से इसमें था, तो -π/6 देखेगा तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख जाएगा मेरे प्यारे साथियों। काफ़ी कमाल और आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में एकदम भौकाल जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, देखो यहाँ से चार नंबर देखेगा तो ये तो एकदम लाले पोप है जी, यहाँ से इसका मान कितना होता है? π/2 होता है सर जी। सर जी π/2 होता है, तब तो sin π/2 का मान पूछ दिया ना, और sin π/2 जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? अरे बाबा देखो, इसका मान क्या होता है? π/2 होता है, यानी कि sin 90, और sin 90 का मान क्या होता है सर जी? 1 होता है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आप लोग बेहतर नंबर लाना चाहते तो ज़रूर से ज़रूर इस नंबर PDF नोट्स के लिए कम संपर्क कीजिएगा। ठीक ना टेशन, व्हाट्सएप पर आपको PDF नोट्स मिलेगा तो उस पर मैसेज कीजिएगा। चलो पांच नंबर देखो, पांच नंबर में कहा जा रहा है कि 2 tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। देखो ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, इसके लिए दोस्तों 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगता है। क्या लगता है? tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x स्क्वायर, एक सूत्र हुआ। एक लगता है tan इनवर्स x + y बटा में 1 - x y, ये सूत्र पर बनेगा मेरे प्यारे साथियों। इसका जो राइट आंसर आता है π/4 आता है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, दो नंबर का क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ जाए, NCERT का क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेगा, π/4 होगा, थोड़ा लंबा बनेगा, तो इसको आप लोग माइनस कर दीजिए। सूत्र आपको हम बता दिए हैं, दो नंबर में भी करवा दिए हैं, तो टेंशन लेने का नहीं, देने का भी हर वोट को। चलिए यहाँ से 6 नंबर देखो, यहाँ से आपका दोस्तों सारने का मान निकालना है। देखो आपको सारने का मान नहीं निकालना आता तो देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो एक को उठाइएगा दोस्तों तो ये झप जाएगा, अगर दो को उठाइएगा तो ये झप जाएगा, अगर आप लोग चार को उठाइएगा तो ये घट
छट जाएगा। तो देखो मैंने एक को उठा लिया मेरे पेरे साहब, तो एक को उठाऊंगा तो ये झप जाएगा, यानी कि 16 गुना 7 करेंगे 972 करेंगे, यानी कि 16 गुना 7 करके 972 घटाएंगे मेरे पेरे साथियों। और फिर आपको क्या करना, -2 को लेना है। देखो -2 को लेना है, तो फिर इस प्रकार से करोगे तो 16 3 48 माइनस कितना 36 को घटाना, 48 में से 36 को घटाना है। फिर आपको दो से क्या करना है, 4 को उठाना है, तो 8 3 24 माइनस कितना 7 4 28 यानी कि -4। इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा तो ज़्यादातर जो केस होता है ऐसा में आपका क्या प्राप्त होता है सर, जी 0 प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन का अधिकतर स्थिति में 0 होता है। तो याद रखिएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। डी सुन आपको बता दें कैसे करना है। देखो ये वाला भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसका भी 0 होगा। देखो इसको इसको जोड़ लेंगे, देखो इसको जोड़ लेंगे मेरे प्यारे साथियों, यानी कि ये आपका क्या है, C1 है C2 है, यानी कि C1 इसका C2 और C3 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो देखो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, ABC प्राप्त हुआ, यहाँ से A+B+C प्राप्त हो जाएगा, A+B+C प्राप्त हो जाएगा, A+B+C किसको जोड़ने पर, ये को जोड़ लोगे इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। और A+B+C को क्या करना है, कॉमन कर लेना है C3 से। जब C3 से आप लोग A+B+C कॉमन करोगे मेरे पेरे साथ, तो एक 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 ABC और ये कॉमन करोगे तो एक एक बच जाएगा। तो आपको पता है किसी सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो जाता है, उसका मान 0 हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आपका डी नंबर हो जाएगा, है कि नहीं, एकदम कमाल लाजवाब आसान लॉलीपॉप प्रश्न है, एकदम भौकाल क्वेश्चन है, भौकाल टाइट एकदम क्वेश्चन में, ठीक ना। डी स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं एग्जाम में, एकदम भौकाल मचा रहे। देखिए 8 नंबर देखिएगा, देखो ये क्वेश्चन आपका दोस्तों काफ़ी लंबा है, तो इसमें हम लोग C1 C2 का प्रयोग करके भी हम लोग निकाल सकते हैं घटा घटा करके। जैसे इसको इसमें से घटा देंगे, इसको इसमें से, यानी कि C2 को घटा देंगे यहाँ C1 से, तो 11 में से 7 जाएगा, 19 में से 27 जाएगा, 31 में से 12 जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मेरे पेरे साथ इसका जो आप लोग का राइट आंसर निकालने के बाद आएगा वो 36 आएगा, क्या कहा दोस्तों 36 आएगा, क्योंकि देखो ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये सब आसान है, आप लोग कर सकते हो, और 100 को ऑब्जेक्टिव पूछता है, 50 का जवाब देना होता है, कौन बड़ा बात है, सब तो ऐसा ही छोड़ देंगे इतना लंबा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से देखिए, एक क्यों पूछा, और जब ऐसा क्वेश्चन आता ना मेरे प्यारे साथियों, उसको हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए पहले A² निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग A² निकाल लेंगे 2 बार गुना करके, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। 1 माइनस 1 1 इसको गुना कर लेंगे, तो इसको एक्स से एक्स में गुना करेंगे, तो आपका दोस्तों 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा जोड़ने के बाद, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। सॉरी 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को करेंगे दोस्तों 1 में 1 से गुना के 1 प्राप्त हुआ, फिर 1 को करेंगे किससे गुना, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर माइनस से गुना करेंगे तो आपका माइनस प्राप्त होगा, फिर माइनस को करेंगे दोस्तों, फिर प्लस को 1 से करेंगे, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपको यहां पर 2 प्राप्त हो, यानी कि इस रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इस प्रकार से आप लोग कीजिएगा, एक बार और कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, यानी कि तीसरा बार कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। जब इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा डीएसओ, तो इसमें क्या करना है, 3 को आपको कॉमन लेना है, क्यों कॉमन लेना है सर जी बताते हैं, पहले 3 को कॉमन ले लो पूरे में से, 3 को कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 3 माइनस 3 माइनस 3, अच्छा 1 1 ना प्राप्त होगा कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। और आपको कहा गया है कि a बराबर इतना है, और ये a का वैल्यू ना है दोस्तों, और इसी की जगह हम लोग a पुटअप कर देंगे, तो आपको ले दे करके 3 आ जाएगा। अब देखो ट्रिक क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ध्यान से देख लो, 1 माइनस 1 माइनस 1 1 इस प्रकार से रहेगा, अगर 1 की घात 4 पूछेगा तो 4 हो जाएगा, 5 पूछेगा तो 5 हो जाएगा, इस प्रकार से ट्रिक को याद रखना। चलिए मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों 10 नंबर में क्या कहा जा रहा है, अभ्यू है, ये कैसा अभ्यू है, देखो ये कैसा अभ्यू है, तो ये आपका सममित अभ्यू है। देखो मेरे प्यारे साथियों, ये और ये क्या बराबर है, फिर ये बराबर है, फिर ये बराबर है, तो ऐसा जो अभ्यू होता है वो सममित अभ्यू के उदाहरण के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा बी नंबर। चलो
अवकल समीकरण आपसे पूछा है क्या सर जी, अवकल समीकरण। तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखो एक्स डी वाई हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, बाई डी एक्स माइनस में लिख सकते हैं, क्योंकि पहला साथ उस तरफ माइनस। अब देखो एक जाते को एक तरफ से करेंगे तो आपको क्या देगा मेरे पहले साथ, तो बाई दिया गया। तो देखो ये दोस्तों क्या है, गुना में है, ये गुना में उस सब जगह, तो भागा में इस सब गुना में है, तो इस तरफ आएगा तो भागा में। तो इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे मेरे पहले साथ, तो डी बाई बटा क्या हो जाएगा, ये माइनस का बाई हो जाएगा, और इधर किस जगह मेरे पेरे साथी हो, तो ये डी एक्स आर बाटा में एक्स हो जाएगा। और दोनों तरफ समाकलन लगा देंगे, और दोनों तरफ समाकलन लगाएंगे तो आपको एक और ट्रिक लगाना है, क्या सर जी, ये जो बाई है इसको लॉग बाई कर देंगे, और ये जो डी एक्स है इसको लॉग एक्स कर देंगे, क्योंकि समाकलन आप कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कंडीशन में आप लोग को समाकलन कर देना है। तो क्या होगा, माइनस लॉग बाई हो गया, बराबर में क्या होगा, लॉग एक्स हो गया। और आप लोग को पता है जब दो को लॉग में होता है तो तीसरा स्वयं लॉग हो जाता है, इनके कॉन्स्टेंट जो होगा वो लॉग दोस्तों क्या जुड़ाएगा, सी जुड़ाएगा, क्योंकि कांस्टेंट भी आपका क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाता है, हाँ बहुत अच्छा, कांस्टेंट जो है वो भी आपका दोस्तों लॉग में चल जाता है। जब ऐसा आपको प्राप्त हो मेरे प्यारे साथियों, तो आपको क्या करना है कि ये जो प्लस का सी है दोस्तों, या तो आप लोग इसको इधर भी लिख सकते थे, क्या करते हैं हम लोग, जो लॉग प्लस सी लिखे हैं, मान लो आप लोग को मैंने इधर ही लिख दिया लॉग प्लस सी, ठीक ना डी, मान लो इधर मैंने लिख दिया लॉग प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक ना डी, ये कॉन्स्टेंट इसको भी आप लोग इधर भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये माइनस वाला इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये लॉग बाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ से चल के कहाँ जाएगा, यहाँ आ गया। और आपको पता लॉग एक्स एक्स प्लस बाई जो होता है सूत्र क्या हो जाता है, यानी कि लॉग एक्स प्लस बाई वाला सूत्र क्या होता है, लॉग एक्स बाई हो जाता है, और लॉग से लॉग खत्म हो जाएगा, और सी बराबर आपको दोस्तों क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स बाई प्राप्त हो जाएगा, सी बराबर या के बराबर, तो कहिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी एकदम भौकाल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो वो उसको भी उसी प्रकार से करना है, देखो इसको जीरो कर लेना, ये बाई को त्रिया गुना करके, तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्राप्त हो जाएगा। इसको प्लस कर लेना बराबर में करके, इसको क्या कर देना, एक्स डी वाई हो जाएगा। अब एक जाति को एक तरफ कर लेना, यानी कि दोस्तों ये गुना में आए तो डी एक्स बाटा एक्स हो जाएगा इस तरफ आने पर, ये दोस्तों गुना में आए तो उस तरफ जाने पर ये बाटा में हो जाएगा। और दोनों प्रश्न क्या ठोक देना है, समाकलन ठोक देना है, यानी कि लॉग एक्स हो गया, क्या होगा मेरे प्रश्न, तो लॉग एक्स हो गया लॉग बाई हो जाएगा, यानी कि लॉग एक्स बराबर क्या हो गया, लॉग बाई हो गया, और लॉग बाई हो गया यहाँ से क्या होगा, लॉग बाई प्लस लॉग सी हो गया। अब देखो ये सूत्र क्या होता है, लॉग एक्स बराबर क्या आपका सूत्र हो गया मेरे प्यारे साथियों, चलिए लॉग एक्स देखो, ये लॉग एक्स बराबर क्या हो गया, ये आपको पता, अभी हम आपको बताएं, लॉग एक्स बाई हो जाता है, यानी कि बाई है तो बाई सी हो जाएगा, लॉग से लॉग खत्म हो जाएगा, एक्स बराबर बाई सी प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो, एक्स बराबर बाई सी या बाई के बोलिए। अब देखो कॉन्स्टेंट का मान निकालना है तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, ये दोस्तों गुना में है तो इस तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि सी बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स बटा बाई हो जाएगा। एक्स बटा बाई देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है, एक्स बटा बाई, चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम लाले पोप प्रश्न है, ये सब आप लोग बिल्कुल एग्जाम में कर सकते हो, एकदम क्या बताएं दोस्तों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एकदम आसान है, ठीक ना। चलिए कहा जा रहा है कि अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक पूछा जा रहा है, देखो पी ये क्या है, डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई का रूप है, बराबर में क्यू है। जब ऐसा रूप रहता है डीएर स्टूडेंट, तो इसमें आपको क्या करना होता है, जब ऐसा रूप आपको दिख जाएगा तो ई के पावर पी डी एक्स का सूत्र लगता है, यानी कि ये पी बाई है तो ई के पावर पी डी एक्स समाकलन गुणांक होता है। तो यहाँ से देखेगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते होंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकालते हैं तो इसी सूत्र का यूज होता है, कई बार आपको बताऊंगा कई क्वेश्चन में यूज होता है। चलो के क्रॉस आई क्या होता है, देखो के क्रॉस आई निकालेंगे तो ये आपका इस प्रकार से डायग्राम ले लेंगे, इस प्रकार से ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया। तो देखो आई क्रॉस क्या पूछा है, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई तो आएगा जे, यानी कि के क्रॉस आई क्या आएगा, जे ये ना आएगा आगे चल के, जी देखो जे आएगा तो यानी कि जे वेक्टर, जे वेक्टर यानी कि डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम के लिए क्या होता है, वन होता है, ये आपको हम बतला चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम का वन होता है, तो याद रखिएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, देखो 15 नंबर में कहा जा रहा है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा एक्स बाई जेड, देखो क्या है क्वेश्चन, एक्स बाई जेड है, देखो ये नहीं, ये तो क्वेश्चन में है, अगर ये नहीं है तो बाई जेड एक्स ढूंढ लो, अगर ये भी नहीं है तो आप लोग क्या ढूंढ लीजिए, जेड एक्स बाई ढूंढ लीजिए, अगर ये भी नहीं है तो आप लोग एक्स बाई जेड ढूंढ लीजिए, देख लो कौन वाला मिल रहा है, तो आप लोग का बाई जेड जेड एक्स वाई, ये तो क्वेश्चन में है, तो ये दोनों में से देखिए कौन वाला मिल रहा है, बाई जेड एक्स या जेड एक्स वाई,
बाई जेड एक्स या जेड एक्स बाई, जेड एक्स बाई। देखो जेड एक्स बाई ऑप्शन डी में मिल रहा है। ये भी एकदम कमाल का क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा डी नंबर। देखो यहाँ से आपका डिफ्रेंसिएशन आपका करना है दोस्तों, इसका ई के पावर क्या है दोस्तों, ई के पावर एक्स क्यू आए, फिर बाटा में क्या एक्स क्यू आए, तो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में आप कलन करेंगे, फिर एक्स क्यू का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में आप कलन। अब देखो ई के घात एक्स क्यू का एक्स क्यू ही रह जाता है, और एक्स स्क्वायर का दोस्तों एक्स क्यू का जो आप कलन होता है वो आपका थ्री एक्स स्क्वायर हो जाता है, यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्री एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यू, थ्री एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यू कहाँ पर दिए खड़ा है? जी ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि दो फलन है ई का पावर एक्स की घात थ्री का एक्स की घात थ्री ये रह जाता है, फिर एक्स का एक बार और काटते हैं तो थ्री एक्स स्क्वायर, ये आपका ट्रिक है डी नंबर। चलो ये देखो ये आपका दोस्तों लॉगरिथमिक का क्वेश्चन है, इसमें आप लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज लगाएंगे ना तो ये और भी आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? और भी आसान। तो देखो लॉग थ्री के पावर एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स लॉग थ्री लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपको पता है कि लॉग के माथा में जो रहता है वो आगे आ जाता है। अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो आपको पता है कि दोस्तों एक्स है आपका दोस्तों अवकलन वन हो जाएगा, है कि नहीं? लॉग थ्री का लॉग थ्री ये रह जाएगा, यानी कि मेरे पेरे साथ तो लॉग थ्री बाहर चल जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स का जो अवकलन हो जाएगा वो वन हो जाएगा, तो लॉग थ्री ही आपको सिंपल सा बच जाता है। तो याद रखिएगा बी नंबर, ये सब क्वेश्चन इतना आसान है कि क्या बताएं। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो यहाँ से आपका दोस्तों साइन का ऊपर करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस ई का पावर एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, प्लस ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स हो जाता है। तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी एकदम लाले पोप भौकाल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। देखो आई क्रॉस जे पूछा था, क्या होता है के होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है? सर जी आई क्रॉस के जो होता है वो क्या होता है? तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे तो आपका के होता है, देख लीजिए यहाँ से आई, यहाँ से जे और यहाँ से के, तो क्या पूछा? आई क्रॉस के, आई क्रॉस क्या पूछा? आई क्रॉस जे, यानी कि आई क्रॉस जे तो आपका के आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों के क्रॉस के क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जाहिर सी बात है ए नंबर हो जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट? कमाल वाला क्वेश्चन। अब देखो लॉग टू एक्स क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे और यहाँ से डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो लॉग टू का दोस्तों लॉग टू हो जाएगा और दोस्तों डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, प्लस का सी जोड़ लीजिए, या तो लॉग टू एक्स तो देखेगा नहीं क्योंकि टू एक्स हो जाएगा तो ये भी आपका फलन हो जाएगा, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे तो एक्स लॉग टू हो जाएगा। अब देखिए एक्स लॉग टू कहाँ पर दिख रहा है? एक्स लॉग टू यहाँ पर दिख रहा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको कभी भी लॉग टू एक्स प्लस सी नहीं लिखिएगा, क्यों सर जी? तो क्योंकि ये गलत हो जाती है, टू एक्स मिल जाता है, जबकि आपको लिखना है क्या है? एक्स लॉग टू लिखना है, क्योंकि दोनों अलग अलग था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है अंतःखंड के लिए दोस्तों कौन सा दोस्तों तल का मानक समीकरण, तो देखो एक्स बटा ए होता है इसके लिए, बी बटा बाई होता है, प्लस एक्स बाई जेड, तो जेड बटा सी हो जाता है, बराबर वन होता है। ये आपको निकालने के लिए दो नंबर में पूछा जाता है कि मानक समीकरण निकालें, ये क्वेश्चन हरदम एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो याद रखिएगा बी नंबर। देखो इसका मूल बिंदु की दूरी निकालना है, मूल बिंदु का दूरी निकालने के कैसे? सब का स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट में, ठीक ना डियर स्टूडेंट? तो तीन का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस चार है, माइनस चार का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से आप लोग माइनस तीन पाँच का स्क्वायर कर देंगे, सब का अंडर रूट लगा देंगे, तो तीन का स्क्वायर हो जाएगा, चार का स्क्वायर 16 हो जाएगा, पाँच का स्क्वायर 25 हो जाएगा, टोटल को आप लोग जोड़ लीजिए, यहाँ से जोड़ेगा तो रूट ये 25 हो जाएगा, 25 50 हो जाएगा, रूट 50, और रूट 50 को हम लोग कैसे कर सकते हैं डियर स्टूडेंट? रूट 50 को कर सकते हैं इसमें 5 गुना 5 कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? 5 गुना 5 गुना 2 कर सकते हैं, जोड़ आपको पता है कि बाहर हो जाता है, तो 5 बाहर हो जाएगा, इंटू रूट 2 हो जाएगा, यानी कि 5 रूट 2 आपको ऑप्शन बी में दिख जाएगा, क्योंकि रूट 50 को हम लोग इसी प्रकार से लिख सकते हैं, कि नहीं डियर स्टूडेंट? कमाल का क्वेश्चन है, याद रखेगा बी नंबर। देखो इनके और इनके बीच का दोस्तों दूरी निकालना है, तो आपको क्या करना है? इसको में से इसको घटाना है, क्या करना है सर जी? इसको में से इसको घटा देना है, यानी कि माइनस एक में से माइनस चार को घटाना है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तीन हो जाएगा। फिर एक को घटाना है माइनस तीन में से, एक को
एक में से घटाना माइनस तीन को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का तीन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये चार हो जाएगा। फिर एक को घटाना है, पाँच को घटाना है माइनस सात में से, पाँच को घटाना है माइनस सात में से, तो ये आपका माइनस बारह हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर अंडर रूट में जोड़िए, तो देखो इसका 144 हो जाएगा और तीन का स्क्वायर तीन नौ हो जाएगा, चार का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यानी कि तीन और 16 और नौ को जोड़ेगा तो 25, 25 और 144 जो जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। कमाल की बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी एकदम ज़बरदस्त आसान लॉलीपॉप प्रश्न है। चलिए 24 नंबर देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि पी ए ए बटा बी और पी ए डैश ए बटा बी, तो इसका जो मान होता है वो वन होता है। ये आपका घटनाएं दिया गया ए और बी के लिए, और ऐसा मान जो होता है वो आपका वन होता है। अब देखो साइन टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, देखो साइन टू एक्स का आप लोग का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन करना है, तो साइन टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस टू एक्स होता है और एक्स के साथ जो भी गुणांक रहता है वो आगे आ जाता है, तो टू कोस टू एक्स देख लीजिए कहाँ पर दिया गया है। चलिए बिल्कुल डी नंबर में दिख जाएगा मेरे प्यारे साथियों, एकदम लॉलीपॉप प्रश्न है इसीलिए डी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है 26 नंबर में कि टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर के एक्स जाएगा के एक्स लिख दो, और मैंने बोला एक्स के साथ जो भी गुणांक रहेगा वो आगे आ जाएगा। अब देखो के सेक स्क्वायर के एक्स कहाँ पर दिया गया है, के सेक स्क्वायर के एक्स कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, बस आसान है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वन प्लस वन कर देंगे, और बाटा में वन प्लस वन कर देंगे, प्लस से टू का करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा, प्लस का सी जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाटा टू हो जाएगा, प्लस टू एक्स प्लस सी हो जाएगा, यहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग देख लीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर बाटा टू प्लस टू एक्स प्लस सी आपको दिख जाएगा कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, देखिए यहाँ से आपका डी एक्स का इंटीग्रेशन कहा जा रहा है, क्या कहा जाए दोस्तों, डी एक्स का इंटीग्रेशन, क्या कहा जाए, डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स प्राप्त होगा, एक्स का दोस्तों लिमिट कर देंगे वन से थ्री तक। अब जब लिमिट लगाएंगे तो आप पर लिमिट को पहले लिखते हैं तो थ्री माइनस वन हो जाएगा, थ्री माइनस वन जो होता है हो जाता है, तो यहाँ से टू जो होगा बी नंबर में दिख जाएगा, ये भी एकदम लॉलीपॉप है। चलिए यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो आपको दोस्तों कोस डी एक्स पूछा है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, कोस डी एक्स पर दोस्तों पूछता है जीरो से लेकर के पाई बाई टू। देखो कोस का दोस्तों इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस का इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स प्राप्त होगा, साइन एक्स प्राप्त होगा जीरो से लेकर के पाई बाई टू दोस्तों पुट अप कर दीजिए, यह आपका कोस का इंटीग्रेशन माइनस का साइन प्राप्त होता है, सॉरी प्लस का साइन है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कॉस कॉस का इंटीग्रेशन साइन प्राप्त हुआ और दोस्तों लिमिट लगा दिया जीरो से लेकर के पाई बाई टू, पहले अपर लिमिट करेंगे तो साइन पाई बाई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस साइन जीरो, और साइन 90 का मान वन होता है और साइन जीरो जीरो होता है, तो वन ही आपका हो जाएगा, तो बी नंबर में देख लीजिए, ये भी एकदम लॉलीपॉप एकदम भौकाल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आप लोग मान के बना सकते हो, जेड बराबर आप लोग क्या मान सकते हो, जेड बराबर साइन आप लोग मान लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जेड बराबर साइन एक्स मानेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो कॉस एक्स यहाँ से हो जाएगा, और डी जेड का वैल्यू निकालेगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, कॉस एक्स डी एक्स, यानी कि कॉस एक्स डी एक्स है उसके जगह हम लोग क्या पुटअप करेंगे, डी जेड पुटअप करेंगे, क्या पुटअप करेंगे मेरे प्यारे साथियों, कॉस एक्स डी एक्स यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, उसके जगह डी जेड पुटअप करेंगे, और जो आपको साइन दिख रहा है यहाँ पर उसके जगह हम लोग जेड पुटअप करेंगे, यानी कि जब ऐसा करेंगे साइन की जगह हम लोग जेड पुटअप करेंगे और कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी जेड पुटअप करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड स्क्वायर बटा टू हो जाएगा, प्लस का सी जोड़ दीजिए, और मैंने जेड किसको माना था, साइन को माना था, किसको माना था, साइन को माना था, तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर बटा टू हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बटा टू प्लस सी देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा, है ना जी, कमाल लाजवाब लॉलीपॉप प्रश्न है, भौकाल मचा दीजिए ऐसा क्वेश्चन देख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से लॉग रूट एक्स का आपका दोस्तों क्या पूछा है, डिफ्रेंशिएशन, तो देखो इसका पूछा तो पहले लॉग का करेंगे, तो पहले लॉग का करेंगे मेरे प्यारे साथियों, किसके रिस्पेक्ट में, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर रूट एक्स को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ से दोस्तों डिफ्रेंशिएशन, तो देखो आपको ट्रिक भी बतलाऊंगा, दोनों चीज़ बतलाता हूँ, तो लॉग का मतलब क्या होता है, लटका दीजिए, तो यहाँ से रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का क्या होता है, वन बटा टू रूट एक्स होता है, तो यहाँ से टू रूट एक्स हो गया, और रूट एक्स क्या होता है, एक्स हो जाता है, यानी कि वन बटा टू एक्स हो गया। अरे भैया नहीं समझ
समझ में आए, ट्रिक देखो, लॉक का करोगे तो मतलब लटका दिया, और रूट एक्स का करोगे तो वन बटा टू रूट एक्स, इसको आप लोग फाइंड कीजिए, रूट एक्स से रूट एक्स होगा तो एक्स प्राप्त होगा, यानी कि वन बटा टू एक्स मिल जाएगा। झकास नहीं, भौकाल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। देखो इसका दो दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है, कितने बार सर जी, दो दो बार, हाँ जी दो बार, का बड़ा बात है, कर देंगे तुरंत। देखो यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, डी साइन टू एक्स का करना है, क्या करना है सर जी, डी साइन टू एक्स का, इसको करेंगे दोस्तों साइन टू एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन, किसके सर जी, टू एक्स, फिर टू एक्स को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन। साइन टू एक्स का अवकलन क्या होता है, तो साइन टू एक्स का अवकलन कोस टू एक्स होता है, और ये जो टू एक्स है, टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू हो जाता है, तो टू कोस टू एक्स एक बार में हुआ। आप दूसरा बार करेंगे तो डी स्क्वायर आर बटा डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर कहा था टू कोस टू एक्स था, इसको मैंने लिख दिया। अब देखो टू को बाहर कर देंगे, कोस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस टू एक्स का इंटीग्रेशन सर जी माइनस का साइन टू एक्स होता है, तो साइन टू एक्स लिख दिया, और एक्स के साथ जो भी गुणांक रहेगा वो आगे आएगा, तो पहले से दो था तो दो दो निकल ये चार हो गया, फिर साइन टू एक्स लगा दीजिए और प्लस लगा दीजिए ये माइनस फोर साइन टू एक्स। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, देखिए पीडीएफ नोट्स जरूर लीजिए, उसमें आप लोग को बारीकी से समझाया हुआ रहेगा सॉल्यूशन करके, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आपको नंबर तो देख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर देखेगा तो ये भी भौकाल क्वेश्चन एकदम आया है, ये क्या पूछा, ई के पावर एक्स माइनस ए पूछा। देखो इसका आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ई के पावर एक्स माइनस ए ये हो जाएगा, क्योंकि क्यों सर जी, वो तो हम जानवे करते एक्सपोटेंशियल में जो रहा था वही आंसर, लेकिन अगर इसको भी आप लोग डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो वन प्राप्त होगा। अरे भैया वन प्राप्त होगा तो क्या डिफ्रेंशिएशन करना, छोड़ो वन प्राप्त होगा, किसी से गुना होता था कुछ आज तक औकात है, कुछ बदला है, कुछ नहीं बदलता है, तो क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स माइनस ए हो जाएगा, डेट मीन्स ए हो जाएगा, क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन। चलो इसको चार चार बार डिफ्रेंशिएशन करना है, बाप रे चार चार बार। देखो पहला बार करेंगे तो एक्स के पावर फोर का करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, फोर एक्स क्यूब प्राप्त हो जाएगा, फिर दूसरा बार करेंगे तो यहाँ से डी स्क्वायर बार क्या हो जाएगा, डी यहाँ से आपको क्या प्राप्त, दूसरा बार करेंगे यानी कि फोर एक्स क्यूब दो से पहला बार में प्राप्त हुआ, दूसरा बार करेंगे तो आपको डी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, फोर एक्स क्यूब हो जाएगा बटा में डी एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, फिर यहाँ से कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, चार तेक बारह एक्स स्क्वायर, ये दो बार हुआ, और तीसरा बार करेंगे तो ये डी क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ से बारह एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटा में डी एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, बारह दोनों के चौबीस एक्स प्राप्त होंगे, क्योंकि ये तीन बार करना था, देख लीजिए घाव तीन दिया गया है, तीन बार दोस्तों डिफ्रेंशिएशन किए तो आपका दोस्तों चौबीस एक्स प्राप्त होगा, अगर इसका चौथी बार प्राप्त करते तो ये चौबीस प्राप्त होता, पांचवा बार में ये जीरो हो जाता, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन, एकदम भौकाल क्वेश्चन है, मज़ा आ गया बनाते बनाते। चलिए चलिए यहाँ से 35 नंबर देखिए, देखो 35 नंबर ये भी होगा, ऐसा ही क्वेश्चन है, चैनल का रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है वन बटा टू रूट एक्स, एक्स के अंदर जो दिया गया उसको लिखते जाइए। अब देखो रूट के अंदर वाला क्या, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स प्राप्त हो गया, और ए एक्स का अवकलन प्लस ए प्राप्त हो गया, आप देख लीजिए बी नंबर में दिख जाएगा। क्योंकि सर जी दो से दो काट दे, नहीं ऑनलाइन पिटाई हो जाएगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है रूट एक्स का वन बटा टू रूट एक्स, टू रूट एक्स होता है, ये दोस्तों ये थोड़ी है, इसके से थोड़ी संबंध कर रहा है, ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों प्रधानमंत्री है, ये एक आम आदमी है, कितना अंतर है जी, ये सूटेबल ये सेट किया हुआ ये आया है, यह अंतर ना जी, तो इसको नहीं काटेंगे, बस ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिएगा आप लोग 36 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग को दोस्तों पूछा है टी, देखिए डिफ्रेंशिएशन पूछा है टू ई के पावर टू एक्स, इसको अवकलन करना है, तो देखो इसका दोस्तों दो पहले से बाहर हो जाएगा और ई के पावर टू एक्स का टू एक्स नहीं जाएगा, और आपको पता है जो भी डिफ्रेंशिएशन करना उसका एक्स का गुणांक जो था वो नीचे आ जाता है, डैट मीन्स दो पहले से था तो दो यानी कि चार हो जाएगा, ई के पावर टू एक्स हो जाएगा, बस देख लीजिए चार ई के पावर टू एक्स ऑप्शन नंबर सी। अब आपको कहाँ पर दिक्कत होता है, प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए, वहाँ से भी वीडियो आपको मिल जाएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, भौकाल मचा दीजिए। चलिए चलो इसके लिए भी सूत्र देंगे सर जी, लॉग एक्स के पावर क्या है, एन के लिए सूत्र क्या होता है, एन लॉग एक्स हो जाता है, उसी प्रकार से देख लो इस क्वेश्चन को भी और कर लो, काहे कि आसान है जी, भौकाल क्वेश्चन है,
देखो एन लॉग एक्स प्राप्त हुआ मेरे प्यारे साथियों। जब आपको पता लॉग एक्स के पावर एन है, इसका सूत्र क्या होता है, एन लॉग एक्स होता है, तो आपको पता चल गया कि एन दोस्तों क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो एन का डिफ्रेंसिएशन एन ही रह जाएगा और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, लटक जाएगा, तो एन बटा एक्स प्राप्त हो गया। इसको अगर बनाते चैन उससे बहुत लंबा जाता, लेकिन ये क्या है, ये शॉर्ट मेथड आपको बतला दिए। डी नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, डी नंबर। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में बहुत मजा आता है बनाने में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है दोस्तों ए बराबर इतना दिया गया है, फंक्शन में बी बराबर इतना दिया गया, तो ए बराबर ए जो होगा बिलोंग वन बी टू सी टू, तो ए पे दोस्तों कैसा फलन होगा। तो देखो इसके लिए हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखना एन 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 कैक दोस्तों फलन है, तो ऑप्शन नंबर बी को आपको ध्यान में रखना है। देखो आपको दोस्तों एफ इनवर्स जब पूछेगा तो आपको ये ट्रिक लगा देना है, जैसे कि 3x-4 पूछा है तो इसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा, ये x+4 हो जाएगा, बाटा में दोस्तों 3 हो जाएगा। आप देखो मान लीजिए 2x-3 रख लिए, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, x+3 कर देंगे, बाटा में 2 कर देंगे। उसी प्रकार से इसको किया, यानी कि जो माइनस था उसको प्लस कर दिया और x के साथ जो भी गुणांक था वो नीचे कर दिया। अब देखिए x+4 बाटा में 3 कहाँ पर दिख रहा है, तो x+4 बाटा में 3 ऑप्शन नंबर ए में है। ये आपका भौकाल ट्रिक था, है ना जी, कमाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। देखो कॉसेक साइन और टैन के लिए अगर माइनस अंदर रहेगा तो खाली माइनस बाहर आएगा, जो कि आपको डी नंबर में दिख जाएगा, पाई इसके लिए नहीं आता है। देखो तीन गो के लिए पाई आई भी नहीं करता है, साइन कॉसेक टैन जब भी माइनस में अंदर रहेगा तो माइनस खाली बाहर आएगा बस, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी एकदम धमाल और कमाल का क्वेश्चन था। अब देखो अल्फा का मान पूछा, अल्फा का मान दोस्तों A11 को A11 से तुलना कीजिए, तो 4 अल्फा बराबर आपको 16 प्राप्त है, तो अल्फा बराबर दोस्तों क्या प्राप्त हो, 16/4, यानी कि ये दोस्तों क्या प्राप्त होगा, 16/4 प्राप्त हो गया। अल्फा का जो वैल्यू है वो 4 है, क्या ये 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, टैन इनवर्स वन का मान जो होता है वो π/4 होता है, ये तो हर कोई को पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ऐसा दोस्तों क्वेश्चन है कि हर कोई बना सकता है, इसको कर सकता है कि नहीं, क्या कि इतना आसान है, कौन कहता है मैथ आसान हार्ड है, एक को ठोकता है दोस्तों एकदम, सब क्वेश्चन लाले पोपे, कोई क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं कि हम लोगों को परेशान कर सके। चलिए यहाँ पर देखिए इसका दोस्तों आपको क्या, साइन इनवर्स एक सेक इनवर्स एक प्लस कोसेक इनवर्स का मान π/2 होता है, और कॉस π/2 का आपको मान बताना है, कॉस π/2 जो होता है कॉस 90 डिग्री वो 0 होता है। क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से इससे आपको गुना करना है कि आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त हो गया। फिर देखिए यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इससे इस तरफ से गुना करते हैं माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, तो याद रखिएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉस 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है। देखो कॉस स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, यही होता है साइन 2x का सूत्र, और इसी पर हम लोग बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नीचे वाला जो घात है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बार इसमें साइन प्लस का भी होगा और एक बार कॉस प्लस का भी होगा, यानी कि दोनों प्लस का भी होगा, तो एक घात को तो करेगा दोस्तों डीके, यानी कि खत्म करेगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। यानी कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, ऊपर में सिर्फ माइनस वाला बढ़ जाएगा, जैसे क्या था कॉस माइनस साइन एक्स था, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, और नीचे क्या था साइन एक्स प्लस कॉस। आप देखो नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर मिल रहा है कि नहीं, ऑटोमेटिक, क्योंकि साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, और नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर मिलता है तो नीचे वाला में लॉग लगता है, तो नीचे वाला दोस्तों लॉग लग जाएगा, तो यहाँ से लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ये काफ़ी आसान है लाले पोपे मेरे पेरे साथ, PDF नोट्स जरूर लीजिए, उसमें आपको पूरा ट्रिक एकदम समझाया हुआ रहेगा, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग लेक्चर वीडियो भी देंगे, तो ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। देखो अब ये भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, काफ़ी आसान है। देखो 46 नंबर था, हाँ 46, देखिए 46 नंबर नीचे आए, इसको बढ़िया से बता देते हैं।
मेरे प्यारे ये बहुत आसान है। देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा तो आप सो कहा जा रहा है कोट इनवर्स माइनस एक्स, और आपको मैंने बोला कि कोट जो माइनस एक्स होता है ना वो पाई लेकर के माइनस आता है, माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी कि पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होगा। तो यहाँ से लिख दीजिए पाई माइनस कोट में कितना डिग्री का, 3 होता है, तो 200 पाई बटा 6 यानी कि 230 डिग्री का। इसका आप लोग निकालेगा तो लघुत्तम 6 हो जाएगा, 5 मरता इसमें लगेगा, कितना मरता है 6 मरता इसमें लगेगा, यहाँ से 6 पाई, फिर एक मरता इसमें 200 पाई, तो यहाँ से आपका 5 पाई बटा 6 प्राप्त हो जाएगा। 5 पाई बाई 6 प्राप्त हो गया दोस्तों, क्या प्राप्त हो, 5 पाई बटा 6 प्राप्त हो गया। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, पाई बटा 3 होता है, यहाँ से घटा दीजिए तो 6 लघुत्तम 6 हो गया, यहाँ से कीजिएगा तो 2 पाई माइनस 5 पाई घटाइएगा तो माइनस 3 पाई बटा 6 आ जाएगा, इसको कटाइएगा तो आपका माइनस पाई बाई 2 प्राप्त हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, 47 नंबर में ए स्क्वायर पूछा है, ए स्क्वायर पूछा 3 लगा दो बस, ऐसा क्वेश्चन 3 अगर एक की पूछेगा तो 4, अगर एक की घात 4 पूछेगा तो 5, अगर एक की घात 6 पूछेगा तो 7, अगर एक की घात 8 पूछेगा तो 9, अगर एक की घात 10 पूछेगा तो 11 है, इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए ए डॉट ए पूछा, अगर डॉट प्रोडक्ट में दोस्तों सेम सेम रहता है ए वाला के लिए तो ये ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाता है, वहीं ए क्रॉस ए रहता तो इसका दोस्तों 0 हो जाता है। तो ए डॉट ए पूछा तो ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, डेट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपसे 49 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि इतना इतना दिया गया तो इसका मान निकाल लैम्डा का तो 1/2 निकलेगा। चलिए यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस के लिए मापांक पूछा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये अब भी अपन ने कई क्वेश्चन में इस्तेमाल किया मेरे प्यारे लाल। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान है, डियर स्टूडेंट ये सब आसानी से आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ये देखिए सूत्र है ना दोस्तों, मापांक निकालने के लिए ना बताए हैं कि जो रहेगा उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन का दोस्तों पार्ट 6 था, यानी कि लगभग 300 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, लगभग 200 ऑब्जेक्टिव और है, तो वो 4 वीडियो में आपको समाप्त कर देंगे 50-50 करके। उम्मीद है डियर स्टूडेंट वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना। PDF नोट्स के लिए यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम से कम 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।